गुरुजी लोग गुलशन चाचा के दो चमचे आके इस लड़की को लेके जा ही रहे थे, तभी रास्ते में इनका डंडा किसी ने पकड़ दिया और उन्हीं के डंडे से उन्हीं को घुसेड़ घुसेड़ के भैया धोया है। कौन धो रहा है इनको? अच्छा मिथुन दादा है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की का हाथ पकड़ के मिथुन दादा निकल गए हैं, जैसे रोहित शर्मा फाइनल में ओपनिंग बैटिंग कर रहा था उसी तरह ये चौके पे चौका छक्के पे छक्का दिए जा रहे हैं और लगातार पीटते जा रहे हैं, एक चौका दो छक्का। तभी ये क्या, अचानक से इनका विकेट गिर गया भैया रोहित शर्मा की तरह। ठीक है भैया, हमको तो लगा कि अभी ये कमबैक करेंगे तो मिथुन दा को इन लोगों ने टपका ही दिया, हमारे मिथुन दा का तो आखिरी क्रिया कर्म होने लगा। अरे यार नहीं। और गुलशन चाचा का ऑर्डर मिलते ही एक चमचा आ गया है आग लेकर मिथुनदा को जलाने के लिए, लेकिन तभी मिथुनदा के चमचे को किसी ने एक मुक्का मारा है और उड़ के गया है, एक लोटा हवा में उड़ा है और हवा में उड़ता हुआ लोटे में से पानी गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? मिथुनदा के मुंह पर। और मिथुनदा आराम से वो पानी पी रहे हैं। मतलब मिथुनदा ये क्या, जिंदा है मिथुनदा भैया, जिंदा है। अभी हम जिंदा है। बस फिर क्या, मिथुन दा ने उठते ही सबसे पहले पैर उठा के किसको पकड़ा, मसाल वाले को, और मसाल वाले को उठा के ऐसा फेंक दिया, वो भी बेचारा यही सोच रहा मुझे क्यों तोड़ा। चलो उठाओ। अब भैया तीनों गुंडे गुस्से में आ गए और एक लात देख के मिथुन दा को धूल चटा दिए हैं। उसके बाद देखो तीनों गुंडों में आपस में होड़ लगी हुई है कि पहले हम मिथुन दा के ऊपर पैर से रखेंगे फिर तुम रखना भाई, धक्का मुक्की हो रही है। मिथुन दा भी यही बोल रहे, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का भैया। तीनों मुस्टंडा हमारे मिथुन दा को पीठ पे दबाए हुए थे पर मिथुन दा हमारे जोशियाए लोटा जमीन पे पटके और खड़े हो गए। कह ले भैया एक झटका हमारे पीठों का सह, ऐसा पीठ का झटका दिए हैं कि उड़ते हुए तीनों कलैया मार के गिरे हैं जमीन पे। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? फिर क्या, मिथुन दा एक के लोटा में तीनों को उठा के फेंक दिया भैया, इतना बुरा फेंके हैं कि उनके चमचे लोग गुस्से में आके मिथुन दा को बोले, तू तो गया बेटे। भैया मिथुन दा को मारने के लिए कई मिला दौड़ पड़े पर मिथुन दा डरे थोड़े ना, अले एक लोटा दो लोटा तीन लोटा चार लोटा पांच लोटा छह लोटा सात लोटा आठ लोटा नौ लोटा दस लोटा और ये ग्यारह और ये फाइनल पंच। भैया कुल ऐसे गिरे जैसे पूरी खाने के लिए बैठ रहे लाइन से। इस बार तीनों गुंडों ने एंट्री मारी है, भैया अपनी अपनी तलवार लेकर, तलवार लेकर कहाँ अटैक करना, सीधे मिथुन दा के लोटे पर। अब उनका हाथ काटो ना लोटा काटने में क्या लगे हुए सरू के, सबका निशाना लोटो है पर मिथुन दा के। अच्छा बेटा, तीनों तलवारों को इकट्ठा करने के लिए मिथुन दा ने तीनों को साइड में लेके गए और साइड में ले जाके कहे कि अच्छा और पहले तीनों तलवारें तोड़ दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। मिथुन दा यहाँ चमचों से लड़ रहे थे तभी यहाँ पे जवान बुड्ढा यानी कि हिंदू अंग्रेज पीछे से आया और मिथुन दा ने मार के उसकी नाक फोड़ दी। अरे नाक फोड़ी की खोपड़ी फोड़ी तो टपक गया। अब मिथुन दा से फाइनल लड़ाई लड़ने के लिए गुलशन चचा आ गए हैं। गुलशन चचा ने आते ही गुस्से में एक मुक्का, उसके बाद दो मुक्का मुंह पे दे दिया, तीसरा मुक्का लोटे पर, फिर लोटे का पावर तो जानते ही आपने क्या हुआ। भैया गुलशन चचा अपने पिक्चर में पाप तो करते ही हैं तो उनके पाप का घड़ा भर गया है और उस घड़े को फोड़ने के लिए मिथुन दा ने उनको आखिरी फाइनल पंच दे दिया है। देखिए उनकी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस क्या, मरे हैं भाई गजब। अगले हैं हमारे बाला भैया जो कि अपने आप को किसी पीएम सीएम से कम नहीं समझते हैं, नहीं विश्वास हो रहा है, आगे देखिए। दादाजी ने बुलाया है। कौन है ये दादाजी? कौन? माँ जी रक्षा मंत्री हैं, वो बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। उसे अगर मुझसे काम है तो उसे मेरे पास आने के लिए कहो। दादाजी रे तो फिर मैं क्या करूं? दादाजी की इतनी बेइज्जती के बाद चमचा गरमाया और बाला भैया को एक मुक्का दे दिया है। बाला भैया को भी गुस्सा आया, बाला भैया ने एक मुक्का ऐसा दिया कि सीने का हड्डी इनके ससुर का टूटा है और ये उड़ते हुए गए हैं, एक गेट से एंट्री मारे हैं, दूसरे गेट से दादाजी को लेके निकले हैं। भैया दादाजी करोड़पति से रोडपति बन गए, वाह कैसा लगा मेरा मजाक। हमारे बाला भैया को मारने के लिए गुंडे भी अलग टेक्निक अपनाते हैं। देखिए जमीन में सोए हुए थे भैया एक घंटा से, जमीन के अंदर क्या कर रहे हैं? और भैया यहाँ पे सारे गुंडे दौड़ पड़े हैं बाला भैया को मारने के लिए, लेकिन ये क्या, बाला भैया से भी ज्यादा बुड्ढे आदमी ने एक कुल्हाड़ी बाला भैया की तरफ फेंकी और कुल्हाड़ी अपने आप जमीन पे गोल गोल घूम रही है। भैया ये कौन सा शक्ति है बाला भैया के पास,
इनका ही शक्ति देख कर ना सारे गुंडे उनसे यही बोल रहे होंगे भैया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बाला भैया बिना कुर्सी पे से उठे, देखिए चारों को धराशाई कर दिए हैं। चारों टिके किस पे हैं? बाला भैया के ऊपर। बाला भैया उठेंगे नहीं ना, हिलेंगे, देखिए बस एक झटका मारेंगे और ये देखिए चारों कैसा हवा में उड़ गए। भैया इतना पावर किसके पास है? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। बाला भैया ने एक गुंडे को लात मारी, वो दूसरे गुंडे से टकराया, तब भी दूसरा गुंडा रुका नहीं, वो सीधे बाला भैया के पास आया। बाला भैया ने एक लात मार के सुला, क्या गुंडा बनेगा रे तू? गुंडे समझ गए बाला भैया को मारना एक की बस की बात नहीं है, तो सारे गुंडे आ गए। लेकिन अचानक से ये क्या, बाला भैया बीच में से उड़ के निकले और एक जमीन पर पटके, हे कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ?